सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा बसपा गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर कहा कि अरे भाई 37-37 मत बोलो, अब तो हम सीबीआई में हैं। उन्होंने भाजपा पर राजनीतिक शिष्टाचार की अनदेखी करने के आरोप लगाए। अरे भाई 37-37 मत बोलो, हम तो सीबीआई के अंदर हैं। सीबीआई के अंदर हैं, अब तो सीबीआई को बताना पड़ेगा कि हमने 37-37 किए हैं, 36-36 किए हैं, 35-35 किए हैं। देखिए मुझे खुशी है इस बात की कि कम से कम बीजेपी ने अपना रंग दिखा दिया, एक बार फिर सीबीआई से मिलने का मौका मिलेगा। पहले कांग्रेस ने सीबीआई से मिलने का मौका दिया था, इस बार बीजेपी के लोग मिलने का मौका दे रहे हैं। देखिए अगर आप राजनीति कर रहे हो, अगर आप राजनीति में हो, और देखिए पहले तो बीजेपी ने समाज का जो व्यवहार है वो बदल दिया, राजनीतिक शिष्टाचार को खत्म कर दिया। बीजेपी चाहती है कि जैसा उनका राजनीतिक शिष्टाचार है वही राजनीतिक दलों का शिष्टाचार हो जाए। सोचो हमारी राजनीति कैसी चल रही है, कोई किसी को कुछ कह रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है, लेकिन चाहे बीजेपी कुछ भी चाहे, हम अपना समाजवादी लोग वो शिष्टाचार नहीं बदलेंगे। अगर कांग्रेस उन्हें चोर बोल रही है तो ये चाहते हैं बीजेपी वाले हम भी उन्हें चोर बोलें। गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर के पूछे गए सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने सीबीआई जांच का जिक्र कर ये संकेत देने की कोशिश की है कि सीबीआई जांच का गठबंधन से रिश्ता है। और इसी के साथ ही उन्होंने जब कांग्रेस के राफेल मुद्दे पर चौकीदार चोर नारे की याद दिलाई तो शायद वो ये कहना चाह रहे थे कि जो लोग शीशे के मकान में बैठे हों उन्हें दूसरे के मकान पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। ईटीवी के लिए लखनऊ से अखिलेश तिवारी।